अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना ब्लॉगर हमजा जी। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में जी मेरे साथ मौजूद हैं कमर इंटरप्राइजेज़ के डायरेक्टर और मेरे प्यारे दोस्त भी हैं और बॉस भी हैं। बहुत कुछ सीखा जी मैंने इनसे यहां पे, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं जी फैज़ान फजल साहब से, जो कि इस टाइम हमारे कमर इंटरप्राइजेज़ के मोस्टली करते धरते हैं। तो फैज़ान भाई कैसे हैं आप जी? शुक्र अल्लाह का। फिजान भी अभी बताइएगा कि पारव्यू सिटी की जो मार्केट जा रही है वो क्या जा रही है और क्या आप आगे फ्यूचर देखते हैं, और थोड़ा डाउनटाउन के बारे में और जो हमारा कमर्शियल चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिएगा। इस टाइम पूरे पिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ पारव्यू ही चल रहा है, और डाउनटाउन इस टाइम जो है वो बहुत हिट जा रहा है, क्योंकि पूरे पिंडी इस्लामाबाद में ऐसी कोई जगह नहीं है। तो इसलिए अभी न्यू ईयर नाइट पर जो यहाँ पर हो रहा है सब कुछ, उसके लिए सबको आना चाहिए और आगे खुद देखना चाहिए। अच्छा, तो फिजान भाई हमें बताएं कि हमारा जो डाउनटाउन बिजनेस सेंटर बन रहा है वो कैसे मेन अट्रैक्शन लोगों के लिए बन सकता है, और वहाँ पे किस तरह लोगों को जो है ना वो फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का कि वो आए और इन्वेस्ट करें यहाँ पे? देखें, इस टाइम हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, उसमें ऑफिस है, शॉप्स हैं, अपार्टमेंट है, और हम जून 2024 में उसका पोजीशन देने जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर हमारा तैयार है, कोई भी बंदा डाउनटाउन में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो आज ही आए, अपनी शॉप ले और कल से अपना बिजनेस स्टार्ट करे, क्योंकि अभी डाउनटाउन के अंदर बहुत कम प्रोजेक्ट जो है तैयार हैं जहाँ पे लोग आके कोई काम कर सकते हैं। हमारे अपार्टमेंट 2024 में तैयार हो जाएंगे जून में, और जो हमारे ऑफिस और हमारी शॉप्स हैं वो रेडी हैं, कोई भी आए आज से आए कल से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। और देखें, इस टाइम जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है वो बहुत महंगा है, क्योंकि कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से हमारा पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है तो हमारी प्राइस बाकियों से कम है। बिल्कुल इसी तरह है। और न्यू ईयर के लिए जी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट होने वाला है, आप लोग ज़रूर आइएगा, और आए तो मुझसे भी मिलिएगा यहाँ पर आके, तो इंशाल्लाह मैं भी यहीं होऊंगा। और ये इवेंट भी 3 दिन का है, न्यू ईयर नाइट का नहीं है, उसके आगे भी है, तीन से चार दिन का ये गालबन 29 से स्टार्ट हो रहा है, 28-29 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल, और दो तीन तारीख तक। बिल्कुल, तो ये जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा, इस नौयत पे बहुत बड़ा इवेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है वो हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पारव्यू जो है वो हर दफ़ा न्यू ईयर पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फायरवर्क करता है, और आप लोग ज़रूर आइएगा, अपनी फैमिलीज़ के साथ आइएगा, ये फैमिली इवेंट है और इन्जॉय कीजिएगा। अच्छा फिजान भाई, मुझे अभी ये बताएं कि जिस तरह ओवरऑल मार्केट जो है वो जा रही है, और आपने बाकी भी देखा है कि दूसरी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे अभी मतलब मार्केट बिल्कुल डाउन हुई हुई है, तो पारव्यू उस हवाले से मैंने भी देखा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो बड़ी स्पीड में हो रही है और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, इधर काम नहीं रुका, तो उस हवाले से ज़रा बताएं कि यार अभी जो है बाकी सोसाइटीज़ का क्या हिसाब किताब है और यहाँ पे जो है वो क्यों काम नहीं रुका और डेवलपमेंट क्यों इतनी स्पीड से यहाँ पे हो रही है? देखें, इस टाइम हर सोसाइटी का काम रुका हुआ है क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर बंदे को, लेकिन पारव्यू ने इन सारी चीज़ों को साइड पर रख के सिर्फ डेवलपमेंट पर तवज्जो दी हुई है। अब देखें, पारव्यू के हर ब्लॉक में, किसी भी पारव्यू के एरिए में जाएँ आप, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। ये डाउनटाउन को देख रहे हैं, पिछले 1.5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने पूरा लेक को जो है डेवलप किया है और फंक्शनल कर रहे हैं 29, तो इसलिए बाकी सोसाइटीज़ को भी इसी तरह काम करना चाहिए। लेकिन जिस जिस सोसाइटी में काम हो रहा है उसमें प्राइसेस काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में काम नहीं हो रहा वो माइनस सेल पड़ा है सब जगह पर, तो इसलिए ये होता है ग्रुप के ऊपर, जो ग्रुप जितना ज़्यादा काम करते हैं उतने ही वहाँ पर लोगों को बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्पीड में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और लोगों को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। और पारव्यू ने जी जिस चीज़ का जब जब कहा है उन लोगों ने एज़ इट इज़ डिलीवर किया उसको, और इन्होंने अलीम ख़ान साहब ने मुझे याद है कि एक कहा था इवेंट में कि हम लोग इसको जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो करेंगे, और इन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट न्यू ईयर पर यहाँ पर इवेंट करवाएंगे, तो हम में से कोई नहीं माना था क्योंकि इतनी स्पीडी काम हो ही नहीं सकता जितनी स्पीड में जो है इन्होंने किया है। तो लेकिन इन्होंने देखें ये वो डिलीवर कर रहे हैं फाउंटेंस, और ये फाउंटेंस के बाद फिजान भी आपको क्या लगता है
कि डाउनटाउन में रेट्स इंक्रीज करेंगे? बिल्कुल इंक्रीज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये फर्स्ट डाउनटाउन है और पिंडी इस्लामाबाद में भी ये पहला है। पिंडी इस्लामाबाद में देखें, लोगों के लिए कोई इतनी अच्छी जगह नहीं थी, या मरी चले जाएँ, नथिया गली चले जाएँ, पीर सावा चले जाएँ, सिटी के अंदर कोई ऐसी प्लेस नहीं थी। तो इसलिए ये इसके बनने के बाद पूरा पिंडी इस्लामाबाद यहाँ आएगा, तो जाहिर सी बात है बिजनेस भी बढ़ेगा फिर। डेफिनेटली। और अभी देखें पार व्यू वाइज सोसाइटी है जो इस टाइम पोजिशनेबल कमर्शियल प्लॉट डाउन टाउन के अंदर इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं लोगों को। हाँ, ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, क्योंकि सी डी ए में इस्लामाबाद में आपको कहीं भी इस टाइम जो है वो उस पर नहीं मिलता, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको प्लॉट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो पारव्यू जो है वो डेढ़ साल की इंस्टॉलमेंट, एक साल की इंस्टॉलमेंट पे जो है वो दे दिया है, और आप डाउन पेमेंट दें इधर डाउन टाउन कमर्शल में और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ अगर हम आएँ तो फिजान साहब, आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से क्या कहते हैं? जैसे अभी जे ब्लॉक इन्होंने डिलीवर किया, ओवरसीज को डिलीवर करने जा रहे हैं, इन्होंने 27 जनवरी की डेट दी है कि ओवरसीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने प्लॉट तैयार कर दिए हैं। ठीक है, अभी 27 जनवरी को जब अनाउंस करेगा बिल्डिंग तो भी उन लोगों को देंगे, और उसके बाद भी ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर किसी ने घर बनाना है और उसका बिल्डिंग में नहीं आया तो उसको भी अकोमोडेट कर रहे हैं, जैसे जे ब्लॉक में किया था। जे ब्लॉक में जिनका नहीं आया था या जिनका भी पोजीशन पे नहीं था, नॉन डेवलप एरिया में था, तो तब भी तो पारव्यू ने ये ऑप्शन दी थी कि अगर किसी ने घर बनाना है तो वो आए। जिन जिन लोगों ने घर बनाना था एप्लीकेशन दी, जिनका नॉन पोजीशन एरिया में था उसको भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पोजीशन वाले एरिया में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाएं। तो ये अच्छी बात है, वो अच्छी तरह फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, पारव्यू को मैंने देखा है, पारव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करता है, क्योंकि पिछले दिनों भी एक इसी तरह का वाकया हुआ था कि उनके जिस तरह से गोल्फ स्टेट है, गोल्फ स्टेट में उनके पैसे पूरे उन्होंने जमा करवा दिए थे, तो इन्होंने सोसाइटी ने उनको ऑप्शन दिया कि जी आप जो है वो ओवरसीज़ में आ जाएं, ठीक है, अगर आपके कंप्लीट हो गए हैं पैसे तो हम आपको ओवरसीज़ में जो है वो प्लॉट दे देते हैं। तो ये बड़ा एक सोसाइटी जो है वो आपको अकोमोडेट करती है इस हवाले से कि अगर आप उनको पैसे पूरे दे रहे हैं, बार भी उस बंदे को अकोमोडेट करता है जिसने टाइमली इंस्टॉलमेंट दी है और उसका टाइम पूरा हो गया और उसको पोजीशन नहीं मिला, तो पार व्यू उसको दूसरे ब्लॉक में किसी और जगह पे पोजीशन में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, यानी कि इसके लिए एक इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे, इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे, बिल्कुल इसके लिए जी ज़रूरी है कि आप लोग भी जो है वो पाबंद हो ताकि पार व्यू जो है वो आप लोगों को अकोमोडेट कर सके, उनके पास वजह हो आपको अकोमोडेट करने की, आपके पास वजह हो कि आप पार व्यू को जाके कह सकें कि भाई हमने जो है वो टाइमली आप लोगों को जिस टाइम इंस्टॉलमेंट दी है तो आपने टाइमली डिलीवर क्यों नहीं किया, तो फिर आप जो है इस सूरत में पारव्यू से वो कर सकते हैं रब्ता, और पारव्यू आपको इसमें पूरा का पूरा अकोमोडेट करता है। तो आज का जी सेशन इतना ही था गपशप का, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और इंशाल्लाह न्यू ईयर का पूरा इवेंट मैं कवर करूँगा, आपको दिखाऊँगा, और जितने दिन भी फंक्शन होते रहे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको सारा का सारा जो है वो साथ साथ दिखाता रहूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।